नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम स्कूल लेक्चरर जो 2011 की भर्ती थी उसके जो जितने 75 क्वेश्चन हैं इनको आज हम देखेंगे, और ये बुकलेट सीरीज जो ए है उससे संबंधित क्वेश्चन पेपर है। तो साथियों, शुरू करते हैं देर किए बिना। पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नवसहस्रांक चरित, यानी 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, विजय किसके द्वारा रचित है। तो साथियों, यह है कबीर जी के द्वारा, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न चित्रकारों में से किसे शौर्य कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। तो साथियों, पांचवा जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो अब्दुल समद हो जाएगा, 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। तो छठा जो क्वेश्चन है साथ इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा, उदय सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। तो साथियों, शिवाजी को जो राज्य अभिषेक हुआ था वह 1674 ईस्वी में हुआ था, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिप्स मिशन, यानी 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदू और मुसलमान की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था। साथियों, ये जो नौवां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो गांधी हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार रहे। तो साथियों, जो सुभाष चंद्र बोस है वो 2 बार अध्यक्ष रहे, दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रशेखर आजाद की कहां गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो साथियों, ये क्वेश्चन है आरपीसी के द्वारा डिलीट मान लिया गया है, ये डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 है, नंबर क्वेश्चन है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं। तो साथियों, यह दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो साथियों, ये जो 13वां क्वेश्चन है इसमें विजय सिंह प्रतीक राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया। तो साथियों, ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है, करौली। क्वेश्चन नंबर 15 है, साथियों 15 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर खुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वह कोठारिया, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये गणित का क्वेश्चन है, 2.√ ऐसा ही दिए, √47 फिर +3.53 +0.05 बराबर कितना होगा। तो 16वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 6.06 √, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है,
एक्स की घात 4 प्लस 1 में क्या जोड़ा जाए कि वह एक्स प्लस 1 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह है -2, यानी पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप हमेशा क्या रहेगा, अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होता है। 18वें में 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 19, के किस मान के लिए समीकरणों का समूह है के एक्स प्लस 2y बराबर, ये के नहीं है एक है सर, हाँ के ही है, के एक्स प्लस 2y बराबर 5 और 3k प्लस y बराबर 1 का एक ही परिणाम होगा। तो साथियों 19वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिक्त स्थान का यह ज्ञात कीजिए, यानी रिक्त स्थान का पद ज्ञात कीजिए, यह है। तो 20वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन आरपीसी ने नहीं माना और इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, यदि 7 × 3/8 का मान 80 माने तो 8/2 × 9 का मान क्या होगा। 21वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 25 हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 22, एक श्रेणी ए 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 में ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये जो 22वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है -1, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन 1 − x² आगे फिर 0 के लिए x के सभी मानों को आगे, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 23वें का 3 नंबर ऑप्शन, ये हो जाएगा -1, फिर आगे ये देख लेना, ये 3 नंबर ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को किस नाम से जाना जाता है। तो 24वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं, यानी 2 नंबर ऑप्शन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो कथन सही है साथियों वो बताना है, तो ये तीसरा ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर नहीं निर्भर करता है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, दो धनात्मक संख्याओं x एवं y का समांतर माध्य 29.5 है, यदि एक तीसरी संख्या z को भी सम्मिलित किया जाता है तो संयुक्त माध्यांतर यानी समांतर माध्य 20.5 होता है, यह तीसरी संख्या क्या है। साथियों ये 26वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा, 2.5 ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक परीक्षा में 10 छात्रों के निम्नलिखित प्राप्तांकों का माध्य का है 22, 26, 14, 30, 18 फिर आगे 11 है शायद 11, 35, 41, 12, 32 तो इनमें बताना है। तो साथियों ये जो 27वां क्वेश्चन है इसमें 24 हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 28, बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो बादल का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्वेश्चन भी आरपीसी ने डिलीट मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, धन को व्यर्थ खर्च करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 29वां जो क्वेश्चन है साथियों इसको भी आरपीसी ने गलत मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, थोड़ी वस्तु से संतोष न होना किस लोकोक्ति का अर्थ है। तो साथियों इस क्वेश्चन को भी आरपीसी ने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास को क्या कहते हैं, उस समास का नाम क्या है दोनों पद प्रधान होते हैं। तो साथियों ये जो 31वां क्वेश्चन है ये भी आरपीसी ने डिलीट मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द लीडर आस्क्ड हिज फ्लावर्स रिक्त स्थान गो अवे। तो 32वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है वो है नोट 2, इन दो नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैं कल पहुंच रहा हूं
फिर इसमें आगे द अबव सेंटेंस कैन बी, ये ट्रांसलेशन होगा शायद इनटू इंग्लिश एज, ठीक है। तो इसका 3300 जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो एक नंबर को माना गया है, आई एम फिचिंग टुमोरो। फिर आगे इसमें 34वां क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी स्पष्ट दिखाई नहीं देखने के कारण थोड़ी कन्फ्यूज हो रही है। 34वां जो क्वेश्चन है द मीटिंग रिक्त स्थान एट 6, आगे इसमें है ये क्लॉथ है शायद क्लॉथ। तो इसमें 34वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन दो नंबर है, एट जर्नड। क्वेश्चन नंबर 35 है आई एम रिक्त स्थान अबाउट एनी सक्सेस। तो 35वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन दो नंबर को माना है, कॉन्फिडेंट। साथियों आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में देख रहे हो, ये हमारे चैनल का नाम दिखाई दे रहा है आपको, और ये आगे आपको जो टेलीग्राम लिंक है वो दिखाई दे रहा है। इस टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर जितने भी पुराने पेपर है वो प्राप्त कर सकते हैं, और ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे जो चैनल है इसका लोगो है। और आगे आपको कहेंगे कि आप अगर हमारे यूट्यूब पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है यानी वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथियों आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है संसद में महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व ही किस न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो साथियों वो पीडी दिनकरन थे, तीन नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है राजस्थान के किन जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई। तो साथियों इसका भी राइट ऑप्शन है वो तीन नंबर माना गया है, जयपुर एवं जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 38 है राजस्थान के किस शहर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए चिन्हित किया गया है। तो साथियों 38वें क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन है वो जोधपुर हो जाएगा, यानी तीन नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है ओपरा विनफ्री जिसने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2012 में भाग लिया देश से संबंधित है। तो साथियों 39वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा यूएसए, यानी दो नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है सन 2011 में किस नए राज्य का उद्भव हुआ है। तो 40वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन दक्षिणी सूडान, यानी दो नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है हमास क्या है। तो साथियों हमास है वो राजनीतिक दल है, चार नंबर ऑप्शन राइट माना गया है 41वें का। क्वेश्चन नंबर 42 पाकिस्तान के किस शहर में अमेरिकी नौसेना ने ओसामा बिन लादेन की हत्या की। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है एबटाबाद, यानी चार नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 42वें का। क्वेश्चन नंबर 43 है पद्म विभूषण होमी व्यारावाला के हाल ही में समाचारों में रहने का कारण है। तो 43वां क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो एक नंबर माना गया, यानी मृत्यु से संबंधित कि मृत्यु हो गई इस कारण। क्वेश्चन नंबर 44 है वर्ष 2011 का राष्ट्रगान जनगण मन के लिए क्या महत्व है। तो साथियों 44वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो माना है यह इसके प्रथम गायन का 100वां वर्ष है, यानी तीन नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है भारत के अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन की निश्चित की गई तिथि क्या है। तो साथियों 45वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन एक नंबर यानी 19 जुलाई 2012 है। क्वेश्चन नंबर 46 रासायनिक रूप से जंग होती है। तो 46वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है तीन नंबर आयरन ऑक्साइड, यानी तीन नंबर ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 है ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो है डेप्सन, यानी एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है दो या अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं।
तो साथियों इसका राइट ऑप्शन अणु हो जाएगा, यानी एक नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, समर्थ का जीवन का प्रतिपादन किया, तो साथियों 49वें में डार्विन राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी तीन नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्राणी जो कांजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है कौन सा है, तो साथियों गेंडा है, तीन नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 50वें में। क्वेश्चन नंबर ये शायद एक सिंह वाला गेंडा होना चाहिए, थोड़ा याद आ रहा है। 51वां जो क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी तीन नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 51वें में। 52वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा ये आगे क्या लिखा है इसमें 3 जो भी है कि कितने संविधान की अवधार, ये साथियों स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, भारतीय संविधान के भाग 3 को कितने संविधान की अंतरसार कहाँ है, ये साथियों क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है 52वें का वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर आगे है 53 नंबर, संसद से क्या तात्पर्य है, तो साथियों संसद से तात्पर्य है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, चार नंबर ऑप्शन है वो 53वें का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अपने कार्यों के निष्पादन में किए स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है, तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है राज्यपाल, तीन नंबर ऑप्शन राइट माना है 54वें में राज्यपाल को। फिर आगे क्वेश्चन है 55, भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की, तो साथियों 55वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, जावर खाने समीप स्थित है, तो साथियों जावर खाने जो समीप है वो है उदयपुर के, यानी एक नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, 2011 में राजस्थान की साक्षरता है, तो साथियों राजस्थान की जो साक्षरता है वो है 67.06%, यानी एक नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है 57वें में। क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, तो साथियों वह 1889 में किया गया था, चार नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, 56 का मैदान अवस्थित है, तो साथियों ये है दक्षिणी राजस्थान में, तीन नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 59वें में। फिर 60वां क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी स्थित है, तो साथियों 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 60 का तीन नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, साथियों 61वें क्वेश्चन में सही नहीं है वो बताना है, तो इसमें पहला ऑप्शन है वही सही नहीं है, लेकिन जो सही है वो देखते हैं। इसमें कहा है, सर्व शिक्षा अभियान तल प्रदान उपागम का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि यह साधारण व्यक्तियों के स्तर में वास्तविकता को दर्शाता है, ये सही है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों को जो इसमें सम्मिलित है समस्या की जानकारी देता है तथा समाधान में सहायक है। तीसरा है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों में जो इसमें सम्मिलित है अपना तो एक भावना पैदा करता है, ये सही है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर इसमें 62 है, निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान IASE प्रशिक्षण प्रदान करता है, 62वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो शाला व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापक, यानी दो नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। 63 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की यह प्रक्रिया है जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सकें कि ये देश के उपयोगी नागरिक बन सकें, यानी चार नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 63वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो चार नंबर ऑप्शन को माना है। क्वेश्चन नंबर 64 है, शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था, तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो दो नंबर हो जाएगा, बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता युक्त शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है,
जिसकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है। तो साथियों 65वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो शाला स्तर को माना है, यानी एक नंबर ऑप्शन को राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न युग्मों यानी जोड़ों में से कौन सा एक मेल नहीं खाता है। जो मेल नहीं खाता वो बताना है साथियों, तो वो दो नंबर ये मेल नहीं खाता ई गवर्नमेंट यानी प्रक्रिया, ये मेल नहीं खाता। जो मेल खाता है वो है ई गवर्नेंस भागीदारी, ई गवर्नेंस परिणाम, ई गवर्नेंस निर्णय। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन सा एक क्रम स्रोत की दृष्टि से सही है, कृपया कोड का प्रयोग करें, यानी जो सही है क्रम वो बताना है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है 67वां इसका राइट ऑप्शन है वो माना गया है दो नंबर को। दो में बताया है कि क्रम के अनुसार बात करें तो पहला दो नंबर ICT ये हो जाएगा एक नंबर पे, फिर इसमें तीन नंबर ई गवर्नमेंट ये दो नंबर पे हो जाएगा, फिर आगे चार नंबर है ये ई गवर्नेंस ये तीन नंबर पे हो जाएगा, और फिर आगे इसमें एक नंबर ई मित्रा ये चार नंबर। तो इनका क्रम अगर देखें तो ये हो जाएगा ICT फिर ई गवर्नमेंट ई गवर्नेंस और ई मित्रा, ये हो जाएगा क्रम। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 68वां, निम्न में से कौन से एक का उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता सुधार का है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो एक नंबर को माना है 68वें में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 69 है, सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के तथा लड़कियों अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। 69वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो RPSC ने दो नंबर को माना है, तो ये हो जाएगा लिंग तथा सामाजिक भेदभाव को। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन से स्तर हेतु राजस्थान राज्य पुस्तक कोई बोर्ड विद्यालय पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान का कार्य करती है। तो साथियों 70वां जो क्वेश्चन है RPSC ने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। साथियों जो सही नहीं है वो बताना है 71वें में, तो इसका राइट ऑप्शन चार नंबर माना गया जो सही नहीं है, लेकिन जो सही है उनकी बात करते हैं। एडुसेट मुख्य रूप से विद्यालय महाविद्यालय तथा उच्च स्तर की शिक्षा की संबंधितता के प्रदान करने हेतु है। दूसरा है एडुसेट का कार्य अनौपचारिक शिक्षा तथा विकासात्मक संप्रेषण की सहायता प्रदान करता है। तीसरा है एडुसेट भारतीय उपग्रह है जो विविध यानी विधिक रूप से शिक्षा की सेवा हेतु है। तो ये तीन तो सही है, लेकिन इसमें सही नहीं है कि अर्थ में पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन हमने चार माना है, हमने नहीं RPSC नहीं माना है वैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 72 है, 72वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है ई गवर्नेंस का उपयोग। जो सही नहीं है साथियों वो है 72वां में चार नंबर ऑप्शन, ये सही नहीं है, लेकिन जो सही है वो देखते हैं क्या कहा इसमें, ई गवर्नेंस का उपयोग मॉनिटरिंग की सुविधा में सुधार लाएगा, उनके कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा तथा सामाजिक आर्थिक भेद को समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर आगे 73 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, ये ई मित्र वाला है कि सही नहीं है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है 73वां क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन दो नंबर माना गया है जो सही नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र केंद्रित परियोजना है, बल्कि ये शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र केंद्रित परियोजना है, इसलिए इसको सही नहीं माना। लेकिन जो सही है वो है ई गवर्नेंस की परियोजना, मोहल्ले के लोगों के लिए योजना, साधारण लोगों के लिए योजना, ये सही हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं होने के अर्थ में पूछा है, तो ये दो नंबर ऑप्शन है वो राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 74 है, 73 में ठीक है, 74 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक सही है। साथियों जो सही है वो बताना है 74वें क्वेश्चन में, तो इसका राइट ऑप्शन दो नंबर हो जाएगा, देश के प्रति स्वामी भक्ति का सुझाव दिया। तो इसमें क्या है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व विभिन्न स्काउट के समूहों के एकीकरण की असफलता का मुख्य कारण प्रतिज्ञा उपवाक्य था, हमारे नेताओं ने राजा की स्वामी भक्ति को स्वीकार नहीं किया, उसके स्थान पर उन्होंने देश के प्रति स्वामी भक्ति का सुझाव दिया। तो साथियों ये जो दो नंबर ऑप्शन है 74वें क्वेश्चन में,
इसको राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 75 अंतिम क्वेश्चन है, मिलान करना है निम्न में से कौन सा एक सही है, तो साथियों सही है वो बताना है। ये 75वां क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन साथियों 3 नंबर को माना है। ये इसमें है क्रम में रखना है, ये बताया थोड़ा। ये है निम्न में से कौन सा एक सही है वो बताना है, तो निम्न उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोड़ने के पहले से बाद में क्रम में रखें, कृपया कोड का प्रयोग करें, ठीक है। तो साथियों ये अंतिम क्वेश्चन 75वां, इसका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा ए बी डी सी। तो पहले ये इनसेट A1 हो जाएगा, फिर कल्पना हो जाएगा B, फिर ये D है 3 नंबर पे, ये होगा G सेट 2, ये 3 नंबर हो जाएगा, और एडू सेट है ये 4 नंबर पर। तो इनका क्रम ये हो जाएगा इनसेट A, इनसेट 1A, कल्पना, G सेट 2, एडू सेट, इस प्रकार से इनका क्रम हो जाएगा। साथियों आप हमारे इस YouTube चैनल के जो वीडियो को देख रहे हो, आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक कीजिएगा, और आपको कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में आप सजेशन कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए, जिससे और अपने फ्रेंड्स सर्कल में जितने भी हैं उनको भी ये फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्राप्त हों। तो साथियों आज हम यहाँ फर्स्ट ग्रेड के जो जितने भी क्वेश्चन थे, हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन पेपर है सभी को हमने यहाँ पे हल कर लिया है। अब आगे हम दूसरी कड़ी में कोई दूसरे पेपर देखेंगे साथियों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।